ऑब्जेक्टिव शीट नंबर कौन सी है ये? एट। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर एट का क्वेश्चन नंबर फोर। देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, एक बार ट्राई तो आप ही ने करना है। सपोज दो इंक्लाइंड प्लेन्स हैं, ये फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन है और उसी के साथ ही एक और सेकेंड इंक्लाइंड प्लेन है। दो इंक्लाइन प्लेन्स हैं और एक का एंगल कितना है 30 डिग्री है और दूसरे का एंगल कितना है 30 डिग्री है। इनके बीच में एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, इनके बीच में एक सिलेंडर है, ये रहा एक सिलेंडर, और जो कि इन दोनों सर्फेसेस के कॉन्टैक्ट में है। यहां भी टच कर रहा है और यहां भी टच कर रहा है, दोनों जगह टच कर रहा है, ठीक है यहां तक। एंड क्या निकालना है इसमें, दिस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2u एंड दिस इज मूविंग ऑपोजिट विद अ वेलोसिटी ऑफ u। आपको यह बताना है वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर क्या होगी ताकि सिलेंडर दोनों सर्फेसिस के कॉन्टैक्ट में रहे। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर क्या हो ताकि ये सिलेंडर दोनों सर्फेसिस के कॉन्टैक्ट में रहे। नहीं इतनी जल्दी होगा नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, जितना लग रहा है इतना आसान होगा नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट समझो पहले क्या है। अगर आप ये चाहते हो कि ये सिलेंडर हमेशा इनके कॉन्टैक्ट, देखो हमेशा तो हो नहीं सकता क्योंकि एक वेज इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो आप ये तो भूल ही जाओ ना कि सिलेंडर हमेशा रहेगा, लेकिन जितनी देर रहेगा हम क्वेश्चन उस टाइम के इंस्टेंट में करेंगे, क्योंकि एक वेज इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ये सिलेंडर कहीं ना कहीं कुछ लोग कहेंगे शायद नीचे आएगा, अल्टीमेटली गिरना तो इसको ग्राउंड पे ही है। लेकिन आप इमेजिन करो धीरे धीरे अगर ये इधर जा रहे हैं वेजेस, तो सिलेंडर ये चाहता है कि वो इसके साथ और इसके साथ कॉन्टैक्ट में रहे जितनी देर रह सकता है। तो ये सिलेंडर का कॉन्टैक्ट अगर इसके साथ अगर आप चाहते हो, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सिलेंडर की किसके इक्वल होनी चाहिए, टू यू। देखो अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा पेन है और ये पेन हमेशा वेज के साथ ही मूव करे, तो ऑब्वियस है कि जितनी स्पीड से वेज मूव कर रहा है उतनी स्पीड से ये पेन भी मूव करे, सिंपल है, ठीक। और सिमिलरली यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कि अगर आप ये चाहते हो कि ये इसके कॉन्टैक्ट में भी रहे, अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो सीधा वाई एक्सिस है और ये एक्स वाई प्लेन के अंदर जो इसका कॉन्टैक्ट सरफेस होगा ये एक्स वाई प्लेन में होगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि ये इसके कॉन्टैक्ट में रहे, तो आपको कुछ ऐसा इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है कि ये, और निकलेगी वेलोसिटी से ही, वेलोसिटी से कैसे कि इसका, इसकी मान लो वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी है अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो आप एक काम करो इसके साथ अपना खुद थोड़ा दिमाग लगाना कि इसमें क्या होगा। मैंने एक हिंट दे दिया कि अगर ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर आगे भी जाएगा, ये सिलेंडर थोड़ा सा नीचे भी आएगा, क्योंकि आगे इसलिए जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड कितनी चल रही है, 2u, इसको आगे भी जाना पड़ेगा, इसको नीचे भी आना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली इस सिलेंडर की वेलोसिटी कहीं टेढ़ी होगी, यानी कि सिलेंडर की दो वेलोसिटीज होंगी। ये घूम नहीं रहा प्लीज, ये स्टेशनरी है, और ये आप ये चाहते हो कि हमेशा कॉन्टैक्ट में रहे जब ये वेजेस ऑपोजिट एंगल पे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ऐसे केस में ये सिलेंडर की दो वेलोसिटीज होनी चाहिए, एक x के अलोंग और एक y के अलोंग, और इसकी नेट वेलोसिटी x के अलोंग राइट साइड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी 2u है, ये तेज चल रहा है ना, तो सिलेंडर की मोशन थोड़ी सी राइट की तरफ होनी चाहिए। तो आप इसमें पहले ड्रॉ करो, इसकी वेलोसिटीज सॉल्व करो, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम या डायग्राम जो भी बनाना चाहते हो इसका डायग्राम ड्रॉ करो, तभी इसकी बात बनेगी। जैसे सपोज इसकी वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग v x है और y के अलोंग इसकी वेलोसिटी v y है, तो ऑब्वियसली नेट वेलोसिटी सिलेंडर की कहाँ होगी, इस तरफ होगी v। तो एक v x है, एक v y है और एक वेलोसिटी v।
देखो एक चीज को आपको फिर से समझना पड़ेगा। मैंने आपको ये तो कंडीशन दे दी कि इस वेज के साथ ये कांटेक्ट में अगर रहे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अब मेरे को ये भी तो कंडीशन देनी है ना कि ये सिलेंडर इसके साथ कांटेक्ट में भी तो होना चाहिए, और अगर आप इसके साथ कांटेक्ट में रखना चाहते हो तो क्या सेम रखोगे? वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस सेम होना चाहिए? नहीं, ये नहीं, नहीं एक्स में सेम नहीं, वो तो हो गया। इसके परपेंडिकुलर सेम होना चाहिए, क्यों? नहीं तो सिलेंडर हवा में उछल जाएगा। आपको क्या करना है कि इसकी जो, देखो ना, ये जो सिलेंडर है इसकी वाई एक्सिस की कोई वेलोसिटी होगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये एक तो वी वाई तो है ही है, तो मैं वी एक्स के अगर दो कंपोनेंट ले लूं, एक ऊपर और एक नीचे, तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर देख रहे हो, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए? वो सेम होनी चाहिए, मतलब जितनी ऊपर उतनी नीचे, या फिर ऐसे बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो चलो, कि क्योंकि वेज आगे मूव कर रहा है विद यू, और मैं ये चाहता हूं कि इसके कांटेक्ट में रहे, तो मैं इसका एक कंपोनेंट यहां लेता हूं। जैसे मान लो ये एंगल 30 है, तो ये एंगल पे कितना होगा? 30, तो ये कितना हो जाएगा? वी वाई इंटू कॉस ऑफ 30, ठीक। और अगर ये 30 है, ये कितना हो जाएगा? 60, 60। और अगर ये 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 30, 30। या फिर सीधा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से बोल सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर मैं यहाँ एक ये ड्रॉ करूँ और मुझे पता है कि अगर ये 30 है, ये 60 है, तो ये भी कितना है? ये 30 है, तो मैं वी एक्स का भी एक कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ ले सकता हूँ, मैं वी एक्स का कॉम्पोनेंट भी ऊपर की तरफ लूंगा। और सबसे बड़ी बात, सिलेंडर की अपनी कोई वेलोसिटी तो है नहीं, वो एक्चुअल में तो उसकी जो मोशन है वो तो प्लेन्स की वजह से है। तो लेट अस सपोज ये यू है, क्योंकि ये वेज चाहता है कि ये पीछे चला जाए यू, और अगर ये यू है, ये 30 है, तो ये कितना है? 60 है, तो इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ क्या होगा? यू इंटू कॉस ऑफ 60, यू इंटू कॉस ऑफ 60। ऐसी अगर ये वी एक्स है, तो वी एक्स के केस में ये 30 है, तो ये कितना है? 60, तो ये कितना हो जाएगा? वी एक्स इंटू कॉस ऑफ 60। मेरे को इस एक्सिस पर और कोई वेलोसिटी दिख नहीं रही, क्योंकि मैंने आपकी जितनी भी वेलोसिटीज गिवन थी सारी की सारी ड्रॉ कर ली। यहां पर मैंने ये वेलोसिटी किसकी? सिलेंडर की। ये भी किसकी? सिलेंडर की। और ये किसकी? ये सिलेंडर, ये वेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ये जो सरफेस है जो कि टेढ़ी है। तो सिलेंडर की नेट वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग, ये इसका वाई एक्सिस है, सिलेंडर की नेट वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग होगी यू कॉस 60 होनी चाहिए। क्यों? अगर आप ये चाहते हो कि ये वेज के साथ चिपका रहे, तो जितनी वेलोसिटी से वेज नीचे जा रहा है, मान लो ये मेरा हाथ नीचे जा रहा है, उतनी वेलोसिटी से पेन भी नीचे जाए तभी बात बनेगी, तो ये हिलेगा नहीं। अगर आप चाहते हो कि ये नीचे जा रहा है, इस डायग्राम को छोड़ो, मेरा हाथ नीचे जा रहा है, तो ये पेन भी उसी स्पीड से नीचे जाएगा तभी बात बनेगी, तो ये कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ेगा, ठीक है? तो क्योंकि वेज तो इधर जा रहा है, वेज अगर इधर जा रहा है लेकिन इसके लिए ये सरफेस ऐसी नहीं है, इसके लिए सरफेस ऐसी है, तो इसके लिए ये सरफेस इधर जा रही है, ठीक है ना? आप ऐसे नहीं बोलोगे ना, तो इस आपकी सरफेस ऐसी थोड़ी ना कि इधर जा रही है यू, आपकी सरफेस तो ऐसी है, तो इस सिलेंडर के लिए ये सरफेस नीचे जा रही है, अभी तो वेलोसिटी ऑफ यू कॉस 60, तो सिलेंडर की वेलोसिटी भी नीचे जाने की एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए? सेम। और सिलेंडर की वेलोसिटी नीचे जाने की क्या होगी? यू कॉस सॉरी वी वाई कॉस 30 माइनस वी एक्स कॉस 60। माइनस करना पड़ेगा ना, नेट वेलोसिटी कैसे निकलेगी? कि सिलेंडर की एक वेलोसिटी ऊपर भी है, एक वेलोसिटी नीचे भी है, ये वेलोसिटी इसकी वजह से है, ये वेलोसिटी इसकी वजह से है, तो नेट वेलोसिटी कहाँ नहीं चाहिए? नीचे। मैंने बोला ना, इस पेन की और मेरे हाथ की नेट वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए और सेम वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये पेन मेरे हाथ से हिलेगा नहीं, कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ेगा। तो उसी तरीके से मैंने इस सिलेंडर की नेट वेलोसिटी निकाल ली इन दोनों को माइनस करके, और मेरे को इस वेज की वेलोसिटी इस एक्सिस में ऑलरेडी पता थी, और मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। क्या पॉइंट क्लियर है? तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन, इसके लिए
अब ये सरफेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये सरफेस एकदम सीधी है, टेढ़ी नहीं ना, तो इसमें कंपोनेंट्स ड्रॉ करने की मेरे को जरूरत पड़ेगी नहीं। कैसे? इसमें सिलेंडर आगे जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी एक्स और वेज आगे जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ टू यू, और अगर आप चाहते हो ये कॉन्टैक्ट ना छोड़े तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या करना चाहिए हमें, टू यू। तो वी एक्स इज इक्वल टू टू यू, वी एक्स की वैल्यू टू यू, यहां पर वी एक्स की वैल्यू टू यू पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी ऑफ वाई रूट थ्री बाई टू माइनस वी एक्स की जगह कितना, टू यू इन टू वन बाई टू, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, वी वाई की। वी एक्स आ गया यू की फॉर्म में, वी वाई आ गया यू की फॉर्म में, नेट वेलोसिटी सिलेंडर की क्या होगी बोलो, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। नेट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स हमारे पास टू यू है, वी वाई हम यहां से निकालेंगे, जो भी आएगा उसको उठा के यहां पुट करो, चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका आंसर आ रहा है सेवन यू, नहीं रूट सेवन यू, सॉरी क्यों नहीं करा, क्योंकि मेरा, मैं ना एक्चुअली दो डायग्राम बना रहा हूं, मैंने एक में कर दिया लेकिन एक्चुअल में इसके फ्री बॉडी डायग्राम से देखो ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम एक तो ये बनता है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम दूसरा ये बनता है, तो इसके लिए हमने अलग सॉल्व कर लिया, इसके लिए हमने अलग सॉल्व कर लिया, हमें हमारी जो बॉडी है वो यहाँ पर इसके साथ कांटेक्ट में, और ये वाला कांटेक्ट हमने अलग शो कर दिया, तो इसलिए हम सिर्फ एक ही उसके साथ काम करेंगे। आ गया, चेक करता हूँ, एक मिनट एक मिनट, ये चेक कर लो जरा, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आंसर आ रहा है, इससे कैसे किया बताना। इधर ले ली, लेफ्ट ले ली, स्फेयर नहीं वो सिलेंडर का, हाँ हाँ ठीक है, सिलेंडर के हिसाब से क्या लिया, हाँ कर रहा है ये वाला कर रहा है और ये भी कर रहा है, ये अलग बनाया डायग्राम, ये अलग बनाया, मैं वो जाते हुए चेक करवा देना एक बार, मैं चेक करता हूँ, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर आप ये चाहते हो कि कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी का कांटेक्ट ना छोड़े तो वेलोसिटीज को क्या रखना पड़ेगा, एक्स में भी सेम और वाई में भी सेम, तो वो कांटेक्ट नहीं छोड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट, इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर बी आ रहा है, एक बार चेक करना, बी असाइनमेंट नहीं, इधर आया है नहीं अभी यार, इससे इधर हो गया दो, नेहल दो शीट्स हैं आपके पास, एक है अमीशा है आपके पास, अब शीट नहीं है, इधर आया, शीट नहीं है तो अमीशा थोड़ी शीट चेंज करो, लास्ट टाइम आई नहीं थे आप, शीट दी थी मैंने, इस टाइम प्रिंट निकालने पड़ेंगे यार जाके, कितने लोगों में शीट नहीं है, शीट नहीं है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, शीट लेके आया करो यार,
शीट पीछे पास करना।